वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश बदल चुके और बदलते हुए। तब उसने यहोवा की वेदी का मरम्मत की और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। दो इतिहास अध्याय 33 पद 19 से 17 तक। तानी और मोदुप नाइजीरिया में पले बड़े और 1970 के दशक में पढ़ने के लिए यूके आ गए। जब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन व्यक्तिगत रीति से बदले तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर उन्हें इंग्लैंड के एक सबसे वंचित और जुदा समुदाय लिवरपूल के एनफील्ड में इस्तेमाल करेगा। जब डॉक्टर तानी और मोदुप ओमिदेई ने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर को खोजा और अपने समुदाय के लिए सेवा कार्य किया तो परमेश्वर ने फिर से बहुतों की आशा को बंधाया। वे एक जोशपूर्ण कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं और निरंतर बहुत सी ऐसी परियोजनाएं चला रहे हैं जिनके कारण असंख्य जीवन बदले हैं। मनुष्य अपने समुदाय में बदलाव लाया, अर्थात पहले उन्हें बुराई की ओर और फिर अच्छाई की ओर ले गया। 12 वर्ष की आयु में यहूदा का राजा नियुक्त होने के बाद उसने इसराइलियों को पदभ्रष्ट कर दिया और वे बहुत वर्षों तक बुराई करने में लगे रहे। दो इतिहास अध्याय 33 पद 1 से 9 तक। उन्होंने परमेश्वर की चेतावनियों की ओर कोई मन नहीं लगाया और इसलिए उसने यह होने दिया कि मनुष्य को बंदी बनाकर बाबुल को ले जाया गया। अपने कष्ट में राजा ने अपने आप को दीन करते हुए परमेश्वर को पुकारा, जिसने उसकी पुकार को सुना और उसका राज उसे वापस लौटा दिया। अब बिल्कुल बदल चुके राजा ने शहरपनाह को फिर से बनाया और सब पराये देवताओं को अपने राज्य में से निकाल फेंका। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और यहूदियों को इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। जब लोगों ने मनुष्य के इस पूर्ण बदलाव को देखा तो वे भी बदल गए। परमेश्वर करे कि जब हम उसे खो जाते हैं तो हमारे जीवनों को बदले और ऐसा करके हमारे माध्यम से हमारे समुदायों पर प्रभाव डाले। आपको बदलाव दूसरों में बदलाव ला सकता है। लेखिका रूथ और आइली स्मिथ। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 5 जनवरी 2019। धन्यवाद।